हेलो गाइस, तो फाइनली हमारी जो छुट्टियां हैं वो समाप्त हो गई है और आज हम वापस अपने ड्यूटी को जा रहे हैं और हम अभी यहां पे स्टेशन पे अपने ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं। जो हमारा ट्रेन है वो बरौनी लखनऊ है, जो अभी डेढ़ घंटे लेट है। तो हम बहुत देर से यहां पे इंतजार कर रहे हैं, अभी भी हमारी ट्रेन आई नहीं है। छोड़ने के लिए आए हैं, देख लीजिए रंजीत है हमारे साले, छोटे साले दुलारे साले। तो गैस हमारे ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका है और अभी थोड़ी ही देर में हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम इंतजार कर रहे हैं अपने ट्रेन का। लेट भाई, गैस हमारी ट्रेन आ रही है और हम लोग देखिए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। देखिए हम भी हैं जोश में। ये है बड़ा भाई, और ये ट्रेन आ रही है हमारी। आखिरकार हमारे इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई और हमारी ट्रेन आ ही गई। फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम इस ट्रेन पर बैठ चुके हैं, अपना लगेज शिफ्ट कर चुके हैं और जैसे ही ट्रेन खुलेगी हम भी अपने सफर के लिए रवाना हो जाएंगे इस ट्रेन के साथ। और जो हमें छोड़ने के लिए आए हैं वो जाने के लिए भी तैयार हैं, बोल रहे हैं हमें जाना है, तो हम इनको रोकेंगे भी नहीं। फ्लाइट नहीं है ना यहाँ पे, ये मेरी वाइफ है सोनी, बैठी हुई है। हम बाहर हैं ट्रेन के, तो काफी इंतजार के बाद जो है हमारी ट्रेन ट्रेन में अपने बोगी में शिफ्ट हो चुके हैं। चलिए देखते हैं। थोड़ी देर में हमारा स्टेशन आने वाला है, हम अपने स्टेशन पर उतर जाएंगे, बस थोड़ी देर और उतर लिया। दो की एक ऐसा सफर होता है। हेलो गाइस, देखिए हमारे हाथों की मेहंदी कैसी लगी है, आप लोग बताइए कैसी लगी है, कलर भी तो कितना अच्छा आया है। तो हम लोग यहाँ पे अपने लगेज को जो है आउट करके और ट्रेन के अपने स्टेशन पे आने का इंतजार कर रहे हैं। गैस तो फाइनली हम अपने स्टेशन पे उतर चुके हैं और यहाँ से उतर के हम प्राइवेट गाड़ी करके यहाँ से जाएंगे, जो हमें मिल चुकी है प्राइवेट गाड़ी। और यहाँ से जाने में हमें लगभग 2 घंटे का समय लगेगा, जो कि 100 किलोमीटर का दूरी है लगभग। तो 100 किलोमीटर का दूरी जो है हमें बाई व्हीकल जो 4 व्हीलर तय करना पड़ेगा, तो चलते हैं गैस। गाइस तो हम लोग अपने प्राइवेट गाड़ी में बैठ चुके हैं और यहाँ से निकलेंगे अपने घर के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। और गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए सोनी मंटू 88 और मेरे बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपका गाइस 1 लाइक हमारे चेहरे पर बहुत अच्छी मुस्कान लाती है, तो प्लीज 1 लाइक जरूर कर दीजिए। सफर में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, हम भी बहुत थके हुए हैं, हमें भी नींद आ रही है, लेकिन क्या करें, घर पहुँच के खुद उठाएगा, चलते हैं गाइस। राप्ती नदी है ना ये? हाँ, ये नेपाल से खोला पानी है ये। राप्ती नदी पानी कितना फूल है,
पूरा पानी फूल है यहाँ पर। हम लोग अपने कमरे पर पहुंच चुके हैं और कमरा जो है काफी ज्यादा डस्टिंग हो रखा है क्योंकि इस बीच में बहुत तूफान आया, बारिश हुई और हम 1.5 महीना घर से बाहर रहे, तो इस बीच में जो है घर में डस्टिंग बहुत ज्यादा हो गई है। तो मेरी वाइफ सोनी जो है उसी की साफ सफाई कर रही है और हमें भी लपेट रही है उसके बीच में कि आप भी आइए, आप कहाँ जाएंगे। तो साफ सफाई तो करना पड़ेगा हमें, लेकिन दोस्तों इस ब्लॉग में बस इतना ही।